ढाई ढाई तीन तीन हजार रुपए महीना बिल आ रहा है। गरीब लौट के यही आया हम तो, पर काम तो बढ़िया कर कम से कम। अरे यहाँ प्रधानमंत्री कोई ना, अरे कठिन ना है, तुम चाहे बेच के राष्ट्रपति बन जाओ, जाओ बच्चे बनिया बहुत है, प्रधानमंत्री बन के देख पाल रहे हैं। फर्जी डिग्री और चाय बेचिए वाले, चाय बेची के पहले पढ़ गए, ये बताए थे एक बात दो, हम हाथ पैर के प्रार्थना करते हैं बीजेपी सरकार ना हमारी पैर भी करके सुनते ना, हम आत्मा हत्या कर लेंगे। वोट की हमारी बसी से पांच सौ वोट वोट में कोई नहीं है, हम बच्चे शहर बैर मानी शहर आत्महत्या कर लेंगे साहब। ये हमारी बीजेपी सरकार सुना हाथ जोड़ की विनती है साहब, अधिकार ना कोई मेघ पा ना डीएम ना एस टी एम कोई नहीं हमारी। आज हम आए हैं मथुरा की हृदय स्थल में, यहाँ से हर काम शुरू होता है। अगर डीएम को कोई विज्ञापन सौंपना हो तो यहीं से शुरू होता है, कोई आंदोलन करना हो तो यहीं से शुरू होता है, कोई भी अनशन हो यहीं से शुरू होता है, तो इसलिए इसको मथुरा का हृदय स्थल कहा जाता है। तो आम यहाँ पर अब तमाम लोगों से बात करेंगे कि यूपी में कितना विकास हुआ है, और ज़्यादातर हम मथुरा के बारे में बात करेंगे, मथुरा में कितना विकास हो पाया है। इनकी चाय बहुत लोग वक्त पीते हैं, तो अंकल जी एक मिनट, चाय वाले अंकल जी, मोदी जी भी चाय बेचने वाले हैं, और मोदी जी ने इन 7 सालों में आपके लिए क्या किया है? हमारे लिए क्या किया है? देखो मोदी जी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए, आपका क्या इरादा है? अरे यहाँ प्रधानमंत्री यहाँ कोई ना है, अरे कछु ना है, तुम चाय बेच के राष्ट्रपति बन जाओ, चाय बेच जाओ, बेच के बच्चे पलना है बहुत है, चाय बेच के बच्चे पलना है बहुत है, और मोदी जी ने चाय बेच के प्रधानमंत्री बन के देश पालना है। अब मोदी जी की और कौन कर लेगा, सभी फर्जी डिग्री और चाय बेची है हमारे, चाय बेची के पहले पढ़ गए ये बताए थे एक बात दो में दो, चाय बेचने से हर एक कोई प्रधानमंत्री थोड़ी बन जाएगा, बहुत चाय वाले हैं, लाखों चाय वाले हैं, वो तो उनके नसीब में थी सो वो प्रधानमंत्री बन गए। मतलब आप नसीब को यहाँ पे दाद दे रहे हो कि नसीब था, आपका नसीब नहीं है? अरे कहीं क्यों यादव जी को नसीब ना रहे हो। अच्छा आप चाय कितने रुपए की देते हो ये बताओ मुझे? 10 रुपए की, 10 रुपए। और हम तो ये कहते हैं जसराना तहसील जिला फिरोजाबाद गांव भादौ कादव पंचायत, गरीब आदमी जो है झोंपड़ी वाले उनकी सुनवाई कैसे नहीं हो रही है। हम तो ये कहते हैं बीजेपी की सरकार आए हमारी सुनवाई करे, ठीक है ना, जैसी भी सरकार आती है हमारी कोई भी सुनवाई नहीं करती है, झोंपड़ी पड़ी हुई है 50 साल से हमारी बसी हो रही है, यादव का क्षेत्र है हमारा साहब, कोई भी काम नहीं करवाते। तो प्रधानमंत्री आवास योजना चल तो रही है? वो चल तो रही है यादव लोग है ना, तो वो चल रही है, कागजों में चल रही है, कहाँ चल रही है, कहाँ चल रही है, वो हमारी साहब कोई सुनवाई नहीं है, लेटरी बाथरूम नहीं है, महिलाएं हैं जो खेत में जाती हैं लेटरी करने के लिए। मोदी जी ने इतनी बड़ी शौचालय योजना बनाई थी, उसका क्या हुआ, एक भी शौचालय नहीं बना? हमारे यहाँ एक भी शौचालय नहीं मिला है, हम तो खेत में जंगल में लेटरी करने जाते हैं। तुमने जो है क्या अपने कागज भरे, कागज दिखाए, कागज दिखाए तो फिर क्यों नहीं बने? हमारी लेटरिन करोड़ों आदमियों के लेटरिन बाथरूम बन गए, मकान बन रहे हैं और रुपये मांगे जा रहे हैं। पहली बार इन भैया ही बेबदमी छड़ के आ जाते भाजपा वाले भाई, हजारों रुपए मांगे जा रहे हैं, ये अभी चल के चलवाए। एक यहीं के बाजू में मेरे रेंट में रह रही हैं, उनको आज तक ये स्कीम का मकान नहीं मिला, वो जो कहती है मायावती रहती तो मैं भी दोबारा मकान ले लेती जैसे मेरे बेटे को मिला। ऐसा है कोई भी उनका आती है ना बीच बीच में हमारे पास नहीं आ पाती है, यहाँ तो लोग कहते हैं विरोध, इसमें विरोध है, विरोध है इसमें। अच्छा। जसराना मतलब तहसील में इतने बंजारे लोग इतने दुखी हैं कि मतलब चिट्ठी जब भी सुखी है। अच्छा। इतने मतलब हम लोग मतलब दुखी हैं साहब, झोपड़ी पड़ी है, पन्नी झोपड़ी पड़ी है, नहीं माने तो मतलब बीजेपी की सरकार हमारे पास आ रहे और देख के आए। आपका कहने का मतलब जातिवाद से आप लोग ज्यादा दुखी है? हाँ जी, जातिवाद ही बहुत दुखी है, और हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं बीजेपी की सरकार हमारी कैसे करके सुन ले ना, हम आत्मा हत्या कर लेंगे। अच्छा। हाँ जी, हाँ पांच से वोट वोट की हमारी बसी थे, 500 वोट वोट में तो कोई नहीं है, कैमरा उधर घुमा लो इनका ले लो, 500 वोट की सुनवाई कोई नहीं हमारी सुनने आया साहब, और नहीं सुनेंगे तो हम बच्चों से बैर मानी से आत्मा हत्या कर लेंगे साहब। ये हमारी बीजेपी की सरकार सुने हाथ जोड़ की विनती है साहब, महिला हमारी लेटरी करने लिए खेतों में जाती है तो ये लोग मिट्टी के ढेर मारते हैं, कोई नहीं करता सुनवाई, ना तो कोई तहसीलदार जंगों में खेती, ना कोई तहसीलदार, ना कोई नेतपाल, ना डीएम, ना एसटीएम, कोई नहीं हमारी सुनता है, मां तक पहुंची है कोई नहीं सुनता साहब, बहुत लोग हमको सता रहे हैं साहब, आपको सता रहे हैं। आप कभी जो है क्या अधिकारियों से जाकर के मिले? खूब मिले भाई साहब, एसटीएम में डीएम से मिले, होगी आप जाते अधिकार लाया हमने,
अकेले जाकर के थोड़ी ना मिलोगे, सब जितने भी हैं तुम्हारे संघ के सबको ले जाकर के मिलिए, हमने बात सुनी जाएगी। हमने साहब एप्लीकेशन लिख के नखलऊ तक दिया, हमने माँ से भी कोई नहीं आई हमारे पास सूचना। 10/76 हमने लंबा से बात भी करी थी योगी मोदी के पीएम बोले थे, तो माँ से भी कोई नहीं आई हमारे पास सूचना। हम बताए तो चाचा आप मुझे ये बताओ मथुरा में कितना विकास हो पाया है? मथुरा में 100% विकास है। मथुरा में 100% विकास है जी। अच्छा तो 2022 में कौन आएगा? बीजेपी। बीजेपी आएगी जी। बीजेपी से खुश हो आप? बहुत खुश। ठंड जैसे जैसे बढ़ रही है जी, और चुनाव की भी गर्मी वैसे ही वैसे बढ़ रही है, तो क्या लगता है आपको चुनाव के बारे में? क्या अभी तो बहुत समय है, टाइम का भी दो महीने समय नहीं है। आपको लगता है कि समय राजनेताओं को कोई समय नहीं है? आपको पता है एक साथ 15 गाड़ी भोई 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 में करती हुई चली जाती हैं। महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है। हाँ महंगाई बहुत है। महंगाई से तो मैं ही बहुत दुखी। सरसों का तेल 200 रुपये लीटर है, कहाँ से गरीब आदमी खा लेगा? ऑटो चलाते हैं, कहाँ से पूर्ति नहीं हो पाती? नहीं हो पाती। चाचा क्या कहते हो, तो किसको वोट दोगे बताओ? महंगाई के नाम पे वोट दोगे कि विकास के नाम पे वोट दोगे? नहीं, विकास के नाम पे वोट देंगे। अच्छा, किसको दोगे? भी है, विकास भी है। महंगाई भी है और विकास भी है, तो दोनों में से कौन चुनो, किसको चुनोगे? चुनने की तो अब ये नहीं बता सकते हम। अच्छा। अभी ये नहीं बता सकते किसको देना है। आप ऑटो चलाते हो जी, तो आपका जो किराया था, जैसे मान के चलो लक्ष्मी नगर आप बैठते हो, यहाँ से फाटक से 10 रुपये थे, तो क्या आपने उस किराया को बढ़ाया? नहीं बढ़ाया, नहीं बढ़वाया सर। कस्टमर अभी वही देता है 10 रुपये। कस्टमर भी अभी वही देता है। अगर आप किराया बढ़ा दोगे तो शायद कस्टमर ना बैठे आपके। जी बिल्कुल, जी बात है। नहीं बैठे। कम्युनिटी नहीं है आपके ऑटो वालों की? नहीं, कोई कम्युनिटी नहीं है। अच्छा, क्या कहते हो चाचा आप? हम तो यही कहते हैं कि साहब कुछ पैसा हो, आप गरीब आदमी, यहाँ पर 200 रुपये किलो तेल बिक रहा है, क्या मतलब खाएगा आदमी, क्या मतलब जोड़ेगा बेचारा? सिलेंडर 1000 रुपये का सिलेंडर है, बताइए कहाँ से गरीब आदमी, कहाँ से गरीब आदमी कर लेगा, कहाँ से पढ़ाएगा बच्चों को बताओ इसमें? और बिल देखो कितना महंगा है, 2500-3000 रुपये महीना बिल आ रहा है। गरीब आदमी कहाँ से बच्चों को पढ़ाएगा, किसको पढ़ाएगा? 1000 रुपये बिल के दे दिए भाई साहब, क्या करें, मतलब मजबूरी में मतलब करना पड़ता है, देना पड़ता है। बहुत महंगाई है, महंगाई ज्यादा है। महंगाई मान के चलो, चलो आप तो ऑटो चला के काम गुजार लोगे, जो आपके बच्चे हैं उनके लिए रोजगार के बारे में क्या कहते हो आप? नहीं है रोजगार, बच्चे सब तो बंद करा दी, सुबह से संजय तक 150-200 रुपया कमाते हैं सारे दिन में। अब बेचा 100 रुपये तो सुबह चाय पानी में ही उड़ जाते हैं। अच्छा, हाँ कहाँ से कमा लेंगे, कहाँ पल रहे हैं बच्चे? बच्चे बहुत परेशानी है, बड़ी परेशानी है भाई साहब, बहुत बच्चे परेशान है हम। तो आपकी समझ से किस सरकार को आप लौटना चाहिए? अब ये सरकार तो मतलब अब जो अब लौट के वो ही बताएंगे जो मतलब लग रहे हैं लोग। नहीं, अब बनाने वाले तो आप, गरीबी लोग बनाते हैं सरकार को। अब गरीब आदमी सरकार गरीबों को बनाती है। अब देखो साहब कौन आवे, हम तो यूँ कहे मतलब लौट के यही आया, हम तो यूँ कहे पर काम तो बढ़िया कर, कम से कम गरीब आदमी को तो मतलब वो करो। अच्छा भाई, गरीब आदमी को मतलब वो करोगे तो आप बामे, हम तो फायदा में भाई, धंधा पानी हो मतलब हमारा जी। टेम्पू वाले भाई क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में कौन आएगा? अब भैया ये तो नसीब आ रही है, कौन आवे वो देखो। अच्छा, हाँ तुम्हारी इनकम बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है बताओ? भैया अभी रात भर है ही कमते, अभी घसूना कमाया 300 रुपये जेब में रखे, मतलब क्या करूँ? अच्छा। किराया तो लग नहीं निकला है। अच्छा, अभी तो हम ही